अनीता चौधरी हत्याकांड का मामला जिसको लेकर ओसिया विधायक भीराराम सियोल ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग भी रखी गई है। तो अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर जानकारी दे रही है, जहां पर ओसिया विधायक भीराराम सियोल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और साथ ही हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। तो विधायक भीराराम सियोल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर ये मुलाकात हुई है और साथ ही विधायक ने हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर ओसिया विधायक भीराराम सियोल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और उनसे हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग रखी गई। और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, विधायक भीराराम सियोल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, साथ ही जिस तरीके से अनीता चौधरी की जो हत्या हुई थी उस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। देखिए बिल्कुल रिचा, इसमें एक नया अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि भीराराम सियोल ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि अब राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, यानी कि राज्य सरकार ने अनुशंसा कर दी है। सीबीआई जांच की एक बड़ी खबर है। आज इस पूरे मामले को लेकर भीराराम सियोल ने मुलाकात की थी, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, लगातार सीबीआई जांच की मांग उनके परिजन भी कर रहे थे। अब ऐसे में खुद, क्योंकि पार्टी के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं भीराराम सियोल, उन्होंने सीएम से मुलाकात की और सीएम ने उनकी मांग करते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। अभी पूरा प्रकरण जो चर्चित प्रकरण रहा है, अनीता चौधरी हत्याकांड मामला, जिसको लेकर कहा जा रहा है कई सफेद पोस्ट बेनकाब हो सकते हैं, कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। अब चूंकि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी तो विपक्ष के पास ही बहुत ज्यादा कुछ हमला करने के लिए रहेगा नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका लाल सिंह अधिक जानकारी देने के लिए।